फिर। ओके, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन थी, इट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू फॉर्म अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, दैट वाज एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हमने पढ़ा था एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन वाज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व इनटू वाटर टू फॉर्म एक्वस आयन। फॉर सॉल्यूशन लेट से वी हैव सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड, व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व इनटू सफिशिएंट वाटर। सफिशिएंट वाटर से मतलब ये है कि वाटर ज्यादा हो सॉल्यूट कम हो, सो दैट ऑल दी सॉल्यूट डिसॉल्व इनटू वाटर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बने, डाइल्यूट सॉल्यूशन बने एक्चुअली। तो सोडियम आयन विल फॉर्म एक्वस आयन एंड क्लोराइड आयन विल फॉर्म सीएल नेगेटिव एक्वस आयन्स। दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज वॉज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एंड वट अबाउट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, व्हेन वन मोल ऑफ गैशियस आयन, लेट्स से इफ वी हैव एनए पॉजिटिव गैशियस आयन, इट इज डिसॉल्व इनटू वाटर टू फॉर्म एनए पॉजिटिव एक्वस आयन। और फॉर क्लोराइड आइन सी एल नेगेटिव गैशियस आइन व्हेन डिसॉल्व इन टू वाटर टू फॉर्म सी एल नेगेटिव गैशियस आइन। इनकी डेफिनेशन, सॉरी सी एल नेगेटिव एक्वस आइन, इनकी डेफिनेशन हमने लिख ली थी ना, बस मुझे ये कंफर्म कर दो ताकि हम आगे बढ़े। गाइस ओके नाइस। अच्छा, बिफोर वी स्टडीड लैटिस एनर्जी, व्हाट वाज लैटिस एनर्जी? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम गैसियस आयंस। इक्वेशन फॉर द लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड वुड बी व्हेन वन मोल ऑफ NaCl इन स्टैंडर्ड स्टेट व्हिच इज इट्स सॉलिड स्टेट इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस, Na पॉजिटिव गैसियस आयन एंड Cl माइनस वन गैसियस आयन। That was the lattice enthalpy of sodium chloride. ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, इन तीनों टाइप ऑफ enthalpies को एक साथ मर्ज करेंगे एक हैसिस साइकिल में। अब वो किस तरह से बनेगी, देखो लेट्स से इफ वी हैव एन आयनिक कंपाउंड एंड इफ दिस पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, और इसको हम पानी में डालते हैं टू फॉर्म एक्वस आइंस। This particular type of enthalpy change when one mole of an ionic compound dissolves into sufficient water to form aqueous ions, this is enthalpy change of solution, right? अच्छा, अब let's say नीचे ना हम gaseous ion लिख लेते हैं। If we are forming aqueous ions from gaseous ions by adding water into it, then this particular type of enthalpy change is standard enthalpy change of hydration. And if we are forming ionic solid from gaseous ion, then this particular type of enthalpy change is your lattice enthalpy. Agar hum isme Hess's cycle use kare, let's say if we are taking a route from left to right and in an anti-clockwise direction, ye ho jayegi, equation iski banegi minus लैटिस, क्योंकि जो लैटिस वाला जो एरो है इट इज गोइंग अपवर्ड्स, और हमारा रूट वाला एरो रिएक्टेंट साइड पे नीचे जा रहा है, तो इस दोनों की डायरेक्शन अपोज हो रही है। तो माइनस लैटिस जैसे हम एएस में करते थे बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पे भी, प्लस इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे जो हाइड्रेशन वाला एरो है वो अपर अपर जा रहा है, और हमारा जो रूट वाला एरो है वो भी अपर जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव आएगा। इक्वल्स enthalpy change of solution, ये जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इसको अगर हम enthalpy change of solution की फॉर्म में लिखें तो that this would be enthalpy change of hydration minus lattice enthalpy। क्लियर है यहां तक?
अच्छा इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन तो पूरा आयनिक कंपाउंड की होगी, एंथैल्पी भी पूरे आयनिक कंपाउंड की होगी। मतलब अगर इसके हम एग्जांपल लें आयनिक कंपाउंड की जगह, लेट से हम NaCl ले लें, अगर इफ 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इनटू वाटर, इन सफिशिएंट वाटर टू फॉर्म एक्वस आयंस, Na पॉजिटिव एक्वस आयन एंड Cl नेगेटिव एक्वस आयन, ये वाला इंथैल्पी चेंज हमारा हो जाएगा इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और नीचे इनके गैशियस आयन लिख देते हैं, जैसे सोडियम का गैशियस आयन वुड बी Na पॉजिटिव गैशियस आयन और क्लोराइड का Cl-1 गैशियस आयन। This one is your lattice enthalpy. और राइट साइड पे देखो सोडियम गैशियस आयन जब पानी में डिजोल्व होके सोडियम एक्वस आयन बनाएगा तो इसकी हाइड्रेशन अलग होगी, तब एक हाइड्रेशन यहाँ पे एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सोडियम आयन आएगा और एक और आएगा क्लोराइड की हाइड्रेशन, वो अलग आएगी, तो दोनों को ऐड करना होगा। ठीक है, ये ख्याल रखना है इस बात का। नोट दैट इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन वैल्यूज फॉर बोथ आइंस, ठीक है, जिसमें आपका एक कैटाइन है और दूसरा एनाइन है। आर एडिड टूगेदर टू गेट टोटल वैल्यू ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। क्लियर है यहां तक, कोई सवाल किसी का? अलग अलग इसलिए क्योंकि हाइड्रेशन ऑफ सोडियम आयन अलग गिवन होती है, हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन अलग गिवन होती है। देखो जब हम लैटिस इंथैल्पी की बात करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है उसमें व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैशियस आयन, तब NaCl में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम आयन क्लोराइड आयन दोनों प्रेजेंट है, तो ये जो पूरा रिएक्शन होगा वो लैटिस एनर्जी कहलाता है। Enthalpy change for this reaction is known as lattice energy. Similarly, when we talk about enthalpy change of solution, so as per the definition of enthalpy change of solution, when 1 mole of an ionic compound is dissolved into sufficient water, it forms aqueous ions. This particular type of enthalpy change is known as enthalpy change of solution. But when we are talking about hydration enthalpy, the hydration enthalpy is defined for separate ions. जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज दी हाइड्रेशन इंथैल्पी फॉर सोडियम आयन, तो आप सोडियम आयन की इक्वेशन अलग लिखोगे, सो व्हेन 1 मोल ऑफ गैशियस आयन इज डिसॉल्व इनटू वाटर टू फॉर्म एक्वस आयन, तो दिस इज ओनली दी हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ सोडियम आयन। क्लोराइड की अलग लिखनी पड़ेगी इक्वेशन, Cl नेगेटिव गैशियस आयन व्हेन डिसॉल्व इनटू वाटर टू फॉर्म Cl नेगेटिव एक्वस आयन, तो हाइड्रेशन अब दोनों की अलग अलग होती है आइंस की, लेकिन जब हम लैटिस एनर्जी निकालते हैं तो पूरा कंपाउंड बन रहा है, तो पूरे कंपाउंड की साथ लिखना पड़ेगा इक्वेशन में, सॉल्यूशन में भी पूरा कंपाउंड डिसॉल्व हो रहा है ना टू फॉर्म एक्वस आयन, पहले तो कंपाउंड है फिर वो आयनाइज हो रहा है, मतलब डिसॉल्व होके एक्वस आयन अलग अलग हो रहे हैं उसके, समझ आई बात? इसलिए हाइड्रेशन दोनों की अलग अलग वैल्यूज होंगी और ऐड करनी पड़ेगी। अभी हम क्वेश्चन करते हैं ना तो उसमें कॉमन मिस्टेक यही होती है कि आप किसी एक आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी ऐड करते तो दूसरे की रह जाती है। क्वेश्चन करा दूं, क्वेश्चन हो जाता है ज्यादा क्लियर हो जाएगा फिर।
इसमें हाइड्रेशन तो है बट लैटिस नहीं है। एक मिनट रुकना, प्रॉपर क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं, अभी समझ आ जाएगा। ओके चलो, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। वर्कशीट अपलोडेड है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 14 है। ट्राई करो जरा, यूज द फॉलोइंग। अच्छा, इसका जो पार्ट ऊपर वाले पार्ट है उसमें सिर्फ डेफिनेशंस पूछी हुई है। अगर आप चाहो तो यहाँ से हम क्वेश्चन 14 स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका कुछ कुछ पार्ट इसका जो है वो एएस रिलेटेड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमने एएस में पढ़ी थी। देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन ही देख लेते हैं एक साथ। या बल्कि ना हम पहले ये वाला पार्ट करते हैं इसका, फिर उसके बाद ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि तो फ्रेश पार्ट है ना। अच्छा, पार्ट डी वन इज सेइंग व्हाट इज मेंट बाय द टर्म स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। जस्ट हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रेशन जो अभी हमने लिखी है ऊपर। इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ गैशियस आयन इज डिसॉल्व इनटू वाटर टू फॉर्म वन मोल ऑफ एक्वस आयन। ठीक है। अच्छा, जो वाटर हम लेते हैं ना वो हम कहते हैं कि वी हैव टेकन सफिशियंट वाटर। सफिशियंट वाटर मीन्स के वी आर इंश्योरिंग दैट सॉल्यूट इज लेसर इन अमाउंट एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट। तो उसके लिए आप सफिशियंट का वर्ड भी यूज कर सकते हो, या उसके लिए आप इनफाइनाइटली डायल्यूट सोल्यूशन का वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसको अच्छे से बना के याद कर लो। इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, इट इज अ इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ गैशियस आयंस आर डिसॉल्व इनटू वाटर टू फॉर्म या इनटू सफिशिएंट वाटर लिखो ना यहाँ पे, इनटू सफिशिएंट वाटर टू फॉर्म वन मोल ऑफ एक्वस आइंस। ठीक है, बट इफ यू फॉरगेट टू राइट वन मोल ऑफ गैशियस आयंस तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। वाटर, सफिशिएंट वाटर टू फॉर्म वन मोल ऑफ एक्वस आयंस, दीज आर योर कीवर्ड्स। अच्छा, आगे पार्ट में कह रहा है यूज द फॉलोइंग डेटा टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू कंस्ट्रक्ट एन एनर्जी साइकिल। वी हैव ऑलरेडी फाउंड द लैटिस एनर्जीज बाय यूजिंग बॉर्न-हेबर साइकिल, बट हियर इन दिस एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू द इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। इसका मतलब है वो कि वो जो हमने ऑटोमाइजेशन की थी, फिर फॉर्मेशन लगाई थी, फिर आयनाइजेशन की थी, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, लैटिस एनर्जी हम एक और साइकिल से निकाल सकते हैं जो कि अभी अभी हमने पढ़ी है। उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, देखो अगर आप वो इक्वेशन याद नहीं कर पा रहे हो तो आपने किस तरह से याद रखना है कि कोई भी अगर हमारे पास आयनिक सॉलिड है उसको जब हम वाटर में डालेंगे डिसॉल्व होगा टू फॉर्म एक्वस आयंस। नीचे आपने यहाँ पे लिखना है गैशियस आयंस। देखो भाई, गैशियस आयन से जब एक्वस आयन बनते हैं तो दिस इज योर हाइड्रेशन। गैशियस आयन से जब आयनिक सॉलिड बनेगा दिस इज योर लैटिस एनर्जी, और आयनिक सॉलिड जब एक्वस आयन बनाएगा दिस इज योर सोल्यूशन। यहाँ से आप इक्वेशन बना सकते हो, माइनस लैटिस प्लस हाइड्रेशन इज इक्वल्स टू सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इंथैल्पी चेंज ऑफ, जो हमारी इक्वेशन बनेगी दैट वुड बी योर इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन माइनस लैटिस एनर्जी।
अगर आपने लैटिस एनर्जी को सब्जेक्ट बनाना है, इसमें लैटिस एनर्जी निकालनी है, तो लैटिस एनर्जी वुड बी इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन माइनस इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। अब आप किसी भी फॉर्म में ये इक्वेशन याद कर लो, और अगर ये आपसे याद नहीं हो रही है, बार बार भूल जाते हो, तो बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि भाई किसी भी आयनिक सॉलिड को जब पानी में डालेंगे तो एक्वा साइन बनेंगे, ये सोल्यूशन हो जाएगी, और उसके जो गैशियस आयन है उससे हमारे पास एक्वा साइन बनेंगे तो ये हाइड्रेशन हो जाएगी। इसी तरह गैशियस आयन से जब आयनिक सॉलिड बनता है तो वो लैटिस हो जाती है, उसी वक्त हैसेस लॉ लगाना और हो जाएगा काम। राइट अच्छा गाइस, एक कॉल जो है ना, इट मे ड्रॉप आफ्टर 10 मिनट्स, आई थिंक आई फॉरगॉट टू चेक माय लाइसेंस, तो इसको फॉरन रिज्वाइन कर लेना अगर ये क्लास ड्रॉप हो जाती है ना, मीटिंग को फॉरन रिज्वाइन कर लेना। चलो क्या आंसर आ रहा है इसका, किस तरह से करोगे? He's saying you have to find the lattice energy of calcium nitrate. In the data, they have given you hydration of calcium gaseous ion and hydration of nitrate ion. देखो कैटाइन और एनाइन की हाइड्रेशन अलग अलग देता है, पर इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन एक ही होती है दोनों की मिला के। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फाइंड लैटिस एनर्जी, तो आपने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, और लैटिस एनर्जीज इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन हमारे पास कैल्शियम आयन की होगी और नाइट्रेट आयन की होगी। अच्छा, मोल का ख्याल रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि देखो अगर आप इसकी इक्वेशन बनाते हो, लेट से वी हैव कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट को जब आप सफिशियंट वाटर में डिजोल्व करोगे तो यू विल गेट कैल्शियम 2 पॉजिटिव एक्वस आयन एंड नाइट्रेट NO3-1 एक्वस आयन, बट यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन। यहाँ पे 2 मोल्स आएगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। एंड इफ यू हैव कैल्शियम गैशियस आयन एंड नाइट्रेट गैशियस आयन, इससे जो आयनिक कंपाउंड बनेगा ये इनकी लैटिस एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, और हाइड्रेशन दोनों की अलग अलग लेनी पड़ेगी। तो जहां जहां नाइट्रेट आयन का आप डेटा उठाओगे वहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, मतलब जब भी हाइड्रेशन और नाइट्रेट उठाओगे तो 314 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा बस। चलो निकाला किसी ने आंसर? देखो ये वाली इक्वेशन यूज करो ना, लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट यू हैव टू फाइंड आउट। हाइड्रेशन एनर्जी इज गिवेन है दोनों की, कैल्शियम आयन की कितनी गिवेन है हाइड्रेशन एनर्जी, दिस इज 1650 -1650, नाइट्रेट आयन की है 314 -314, बट वी नो वी हैव 2 मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन, तो उसको हम 2 × -314 करेंगे, ठीक है, ये हो गई हमारी हाइड्रेशन। ये दोनों मिला के हाइड्रेशन होगी, ठीक है, ये दोनों मिला के हाइड्रेशन है, यही बता रहा था मैं। एंड देन वी हैव टू ऐड इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब माइनस करेंगे इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है, -19 kJ/mol। क्या आ रहा है आंसर? -22 97, 2259 बता रहे हो, 97, अलग अलग आंसर क्यों बता रहे हो सब?
आ गया सबका आंसर? इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका एक माइनस तो देखो इक्वेशन वाला है और एक माइनस यहाँ पे आएगा, सही कह रहे हो, +19 हो जाएगा ये। अब आंसर बता दो फाइनल क्या बन रहा है। 2259, ये एक माइनस देखो, ये तो इक्वेशन में माइनस था ना जब हैसेस लॉ लगाया था, माइनस इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन वाला, और ये जो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू है ये भी -19 है, तो इसके साथ भी एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, आ गया सबका आंसर। चले आगे बढ़े। चलो अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन फॉर बेरियम आयन इज माइनस 3,1305 kJ/mol। सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ बेरियम आयन इज लेस एक्सोथर्मिक देन द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम आयन। देखो हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी को डिफाइन किया है व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इज डिसॉल्व इनटू वाटर टू फॉर्म एक्वस आयन। ठीक है, अभी हम लोग ना फैक्टर्स देखते हैं दैट कैन इफेक्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, फिर उसको पढ़ के ये वाला पार्ट करते हैं। We have to check.